गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको कैपेसिटर के बेसिक आइडिया के बारे में बताया था कि कैसे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिकली क्यू बाई वी का रेशियो होता है। कोई भी सिस्टम आपको दिया जाए उसके ऊपर आप क्या करोगे, पहले या तो ये मान लोगे कि क्यू चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आया, क्यू बाई वी का रेशियो कैलकुलेट कर लोगे, या तो फिर आप ये मानोगे कि वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्यू चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो क्यू बाई वी का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट था कि एक स्फेयर है रेडियस आर का, दूसरा स्फेयर है रेडियस टू आर का, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, इसका मतलब एक का पोटेंशियल एक के चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर पोटेंशियल नहीं मिलेगा, ठीक है। इस सेटअप का अपने को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना था, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चा, इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, V वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, तो बैटरी का पोटेंशियल V वोल्ट है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी क्या चाहेगा, ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे है, इसके लिए बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इधर भेजना शुरू करेगा, और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि यहाँ के इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, ठीक। तो बैटरी ने मान लेते हैं चार्ज ट्रांसफर किया, तो इस पे आ गया चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू के बराबर, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बस सिंपल दो स्फेयर दिए हुए थे, आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को बोला गया था, तो आप वहां से कंफ्यूज मत होना कि चार्ज तो दिया ही नहीं है, पोटेंशियल दिया ही नहीं है, बैटरी भी नहीं दी हुई है, कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब चीजें, ये जो कैपेसिटेंस होता है वो ना चार्जिंग बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कितना कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है उस बात पे भी, ठीक है। मतलब आप चार्जिंग बैटरी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो Q बाई V का जो रेशियो है उसी को हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो V वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, और V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके हमने इस दोनों स्फीयर को जोड़ दिया, तो यहाँ से VA की वैल्यू देखो कितना होगा, तो VA की वैल्यू हो जाएगा बच्चा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। उसी तरीके से VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R के बराबर, ठीक है। अब बैटरी ने इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, V के बराबर, इसका मतलब VA माइनस VB ये होना चाहिए V वोल्ट के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो VA की वैल्यू हो जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस माइनस ऑफ Q बाई यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा इज इक्वल टू V के बराबर। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू V, तो 3 बाई 2 इसका मतलब ये आ गया 3 Q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू V के बराबर। अब अपने को कैपेसिटेंस पूछा गया था, कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चा, Q बाई V का रेशियो, तो यहाँ Q बाई V का रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो Q बाई V का रेशियो आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाई 3। बच्चा ये जो रेशियो है यही सिस्टम का क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। चलो तो अभी तक कुछ समझ में आया होगा कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करना है, चलो इसके दूसरे न्यूमेरिकल पे ट्राई करो। तो दूसरा पार्ट दे रहे हैं हम आपको, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का एग्जांपल है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक R1 रेडियस का एक स्फेयर दे दिया गया और उसके कंसेंट्रिक एक दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस है R2 के बराबर। अब इस सिस्टम का अपने को कैपेसिटेंस निकालना है, अभी तक जो चीज सिखाया है उसको आप अप्लाई करके इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे कि बैटरी V वोल्ट की कनेक्ट की गई, Q चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो Q बाई V का रेशियो ही कैलकुलेट करना, और यही Q बाई V का रेशियो कहलाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, पहली बार है कोई बात नहीं, सीखोगे इससे। तो देखो मैं अब सॉल्व करता हूं। अब ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसके इन दोनों एंड दोनों के बीच में हमने एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लाएगा और नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस क्यू। और ये चार्ज का आदान प्रदान तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट का ना हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, तो अंदर वाले का नाम रख देते हैं ए, बाहर वाले का नाम रख देते हैं बी। अब देखिए VA की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट का यूज आ गया पूरी तरीके से। VA की वैल्यू कैलकुलेट करें मतलब अंदर वाले शेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो अंदर वाले शेल का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0R के बराबर, और बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस Q डिवाइडेड बाई 4πε0। अच्छा, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का R2, तो इसको R1 लिख लेते हैं, ε0 R2। ये VA की वैल्यू होगी बच्चा। अब आते हैं VB की वैल्यू, मतलब बाहर वाले शेल का पोटेंशियल लिखते हैं। तो बाहर वाले शेल का पोटेंशियल लिखें तो अंदर वाले चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R2। ठीक है, जब बाहर वाले स्फीयर पे देखोगे तो पूरे चार्ज को कहां मान लोगे, सेंटर पे, तो ये हो गया Q बाई 4πε0 R2 माइनस बाहर वाले के चार्ज की वजह से बाहर वाले पे ही पोटेंशियल देख रहे हैं, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R2। और ये चीज मैंने बताया था अर्थिंग के समय भी कि जब कभी भी ऐसा केस आएगा बाहर वाले स्फीयर के चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये जितना अपने भी ऊपर पोटेंशियल रखता है उतना ही अंदर वाले स्फीयर पे भी देता है। ठीक है, बाहर वाला स्फीयर हमेशा बड़े भाई की तरह काम करता है, जितना अपने खाएगा उतना ही छोटे भाई को भी देगा। ठीक है, तो जितना ये पोटेंशियल अपने ऊपर रखेगा उतना ही छोटे भाई को भी देगा, तो दोनों के इसके चार्ज की वजह से कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। तो देखो यहाँ पे, अब इसका मतलब VA माइनस VB लिखना चाहिए अपने को V के बराबर, तो VA माइनस VB लिखेंगे तो देखो बच्चा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा कितना, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R1 माइनस Q बाई 4πε0 R2, और ये वैल्यू हो जाएगी V के बराबर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, Q बाई V का वैल्यू चाहिए था ना, तो Q बाई V की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखो ये डायग्राम में हटा रहा हूँ, इसको नोट कर ही चुके होंगे आप लोग, तो इसको हटा देते हैं और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चा Q कॉमन मिल गया डिवाइडेड बाई 4πε0, और बचेगा कितना 1R1 माइनस 1R2 इज इक्वल टू V। ठीक है, तो अपने को Q बाई V का रेशियो चाहिए, तो Q बाई V आ जाएगा यहाँ पे 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे R2 माइनस R1। चेक करो इतना ही आ रहा है तुम लोग का भी। ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए ये हो जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, करना क्या है, जो भी सिस्टम आप दिया, आपको दिया जाए, बैटरी कनेक्ट करो V वोल्ट का, मान लो Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैट में अभी तक जो फॉर्मूला सीखे हो उसका यूज करके आप क्या करो, क्यू चार्ज अगर ट्रांसफर हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखो, उसको वी से इक्वेट कराओ, और क्यू बाई वी का वैल्यू ही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। क्लियर है बात? ठीक है, चलो ये तो हमने दो पार्ट देख लिया बच्चा। यही जो केस था ना, यही था स्फेरिकल कैपेसिटर का, मतलब दो स्फेयर आपने यूज किया और उन कंसेंट्रिक स्फेयर को, और उनको कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहां पे अब अगला केस देता हूं मैं। देखो जिसके ऊपर जो कैपेसिटर सबसे ज्यादा अपने को पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका भी कैपेसिटेंस आप ही कैलकुलेट करोगे, इतने लायक बन जाओगे कि खुद से कैलकुलेट कर सको। उससे पहले चलो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का केस देख लेते हैं। तो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमने दे दिया R1। ठीक है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है बच्चा R1 के बराबर। अच्छा, उसके बाहर एक दूसरा सिलेंडर है, ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है आपके लिए, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसका रेडियस दिया हुआ है R2 के बराबर। अब इसकी लेंथ L के बराबर, दोनों जो हैं, दोनों की लेंथ सेम दिया है L। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस सेटअप का कितना कैपेसिटेंस होगा। ठीक है,
एक रेडियस R1 है, दूसरा रेडियस R2 है, लेंथ सिलेंडर का L के बराबर दिया हुआ है। स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया कि इसको कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से। वी वोल्ट की बैटरी मैंने ले ली, ठीक है, तो वी वोल्ट की बैटरी ले ली, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, अंदर वाले पे मान लेते हैं प्लस क्यू, तो बाहर वाले पे ठीक उसका नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब अपने को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अच्छा, स्फीयर का तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखना जानते थे, इस यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि इसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, सिलेंडर के सरफेस पे और ये सब पोटेंशियल हमने नहीं पढ़ा है ना, तो यहां पे आप यूज करने वाले हो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए -E.dr इक्वल टू dV, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखो, अपना मेन एम यही है कि सबसे पहले इनर और आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें Q के फॉर्म में, और उसको इक्वेट कर देंगे V से, और वहां से Q बाई V का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अभी भी जिसको स्ट्राइक कर गया है मेथड, वो स्क्रीन को अभी पॉज करे और खुद से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करे। ठीक है, बाकी मैं तो हूं ही सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चा, सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट में याद दिला दूं, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन बनना नहीं है। देखिए, अगर जहां पे आपने गॉस लॉ का यूज करके इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसी के जस्ट बाद आपने ये क्वेश्चन किया होगा चार्ज पाइप की वजह से। एक बहुत बड़ा चार्ज पाइप है जिसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा के बराबर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है आपने, और आपने ये देखा था कि अंदर जो इस सिलेंडर के अंदर फील्ड होगा, इसका मतलब फॉर इसका रेडियस अगर कैपिटल आर के बराबर है, तो आर लेस देन कैपिटल आर के लिए फील्ड बोलो इस सिलेंडर के अंदर कितना होगा, जीरो। तो अंदर कोई फील्ड नहीं होता। गॉस लॉ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि गॉसियन सरफेस ले लो अंदर के साइड, और यहाँ पे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेट करोगे, क्यू इन की वैल्यू बता दो कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब ई डॉट डी एस जीरो होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे R लेस देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, इतने की तो जरूरत पड़ेगी बच्चा आपको। अब इसके बाद फिर बाहरी सरफेस के लिए देखते हैं। तो बाहरी सरफेस के मतलब कि सरफेस से बाहर के पॉइंट के लिए, तो सरफेस से बाहर के पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो एक गॉसियन सरफेस हम मान लेते हैं ऐसे R रेडियस का। ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, R रेडियस का। तो R रेडियस का गॉसियन सरफेस देखे बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, यहां का ds वेक्टर ऊपर, यहां का ds वेक्टर नीचे, तो ऊपर और नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स कितना पास किया, जीरो। जो भी फ्लक्स होगा वो लैटरल सरफेस एरिया से पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ds वेक्टर ऐसे। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। इसको सॉल्व करोगे आप, फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे जैसा शेल में होता है ना कि बाहर के पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मान सकते हो, उसी तरीके से इस पाइप के अंदर है कि ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, बाहर के पॉइंट के लिए आप पूरा का पूरा चार्ज कहाँ मान सकते हो, सेंटर पे, पूरे उस पाइप के एक्सिस पे मान के कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अगर हम यूज करेंगे उस फॉर्मूले को, ये रिवाइज करवा रहा था मैं, और इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू के बराबर, बाहर वाले सिलेंडर पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू के बराबर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन दोनों सिलेंडर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। ठीक है, तो इतना इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये जो लेंथ है सिलेंडर का ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको काफी लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप की तरह हम ट्रीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए था या इनफाइनाइट पाइप के लिए था, तो हम वो फॉर्मूला यहां पे कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन के कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम वो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब उसके बाद पहले ये बताओ, अगर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा हूं, मतलब दोनों सिलेंडर के बीच में, तो सबसे बाहर वाले सिलेंडर की वजह से कितना फील्ड आएगा, यहां पे कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि अभी देखा कि सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर फील्ड होता है जीरो के बराबर। तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा, अगर सेंटर से हम आर दूरी पे देख रहे हैं, तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे हम एक पॉइंट लें, तो वहां पे बाहर वाले सिलेंडर के कारण फील्ड जीरो और अंदर वाले सिलेंडर के कारण जो फील्ड होगा वो होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 आर के बराबर। ठीक है, और फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर वाला सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और नेट ये बता दो जरा, बस ऐसे ही, इसमें तो खैर यूज नहीं आएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि सबसे R2 के बाहर फील्ड कितना होगा, तो R2 के बाहर जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना फील्ड अंदर की तरफ देगा उतना ही पॉजिटिव बाहर की तरफ देगा, नेट फील्ड जीरो। या फिर एक गॉसियन सरफेस जब आप लोगे सिलेंड्रिकल, तो क्यू इन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जो भी एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एग्जिस्ट मात्र इन दोनों सिलेंडर के बीच में ही करेगा। ठीक है, ना इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ना इसके बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ये जो बीच का स्पेस है यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में एनर्जी भी मात्र इन दोनों सिलेंडर के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। चलो अब देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इससे पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हाँ, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बहुत बच्चे इसको बहुत छोटा फॉर्मूला समझते हैं, है बहुत दमदार फॉर्मूला ये। तो बच्चा अपने को इनर शेल और आउटर शेल के बीच में पोटेंशियल चाहिए, तो अब क्या करते हैं, देखो इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा क्या चीज है, तो लैम्डा बच्चा यहाँ पे है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसको लिख लेना, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, q बाई एल के बराबर। q चार्ज पूरे इस सिलेंडर पे है और l लेंथ है इस सिलेंडर का, तो q बाई एल को हमने माना है लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग सिग्मा भी मान के कर सकते हैं, तो वहां पे फिर आप q डिवाइडेड बाई एरिया लोगे। ठीक है, वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, चार्ज पर यूनिट लेंथ मान के करो। तो ये dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी ये केस है और आपको बहुत काम आएगा, बहुत कॉन्सेप्ट आपसे आपके इससे क्लियर होंगे। अब देखो, इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बच्चा इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या करेंगे, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। समझ रहे हो इस बात को, ये अंदर वाला सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी तरीके से होगा ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इधर मैं नहीं बना रहा, बैटरी है, लेकिन समझ रहे होगे ये पूरा। ठीक है, तो अंदर वाले सिलेंडर से निकल के बाहर वाले सिलेंडर पे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, V यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें तो dV का, अच्छा ये कहाँ से कहाँ जाएगा इंटीग्रेट होके, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा E डॉट dr mod E into mod dr cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और dr वेक्टर भी बाहर की तरफ है। और ये हो जाएगा V, और ये हो गया इनर, और ये हो गया आउटर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को R1 से लेके R2 तक, और साथ में बच्चा एक माइनस का साइन भी है, इस माइनस को मैंने इधर लिख दिया। ठीक, अब इसे एक, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा V आउटर, अच्छा V आउटर माइनस V इनर लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई होके V इनर माइनस V आउटर इज इक्वल टू कितना आएगा, मॉड E की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू डीआर कॉस 0 डिग्री 1 हो चुका है, तो इसको आर1 से लेके आर2 तक इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इनर और आउटर शेल के बीच में, आउटर इस ये सिलेंडर के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। देखो इनर वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, और आउटर वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब वी इनर माइनस वी आउटर को कितना लिख सकते हैं हम, V के बराबर। V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, तो इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं, आप ड्रॉ कर चुके होंगे तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूं। देखो नीट में ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के बच्चे क्या करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इन सब चीजों का फॉर्मूला याद रखते हैं। या तो आप फॉर्मूला याद रखो या तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा V, इस पूरे क्वांटिटी को V लिख दिया, और उधर बचेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन मिल गया, dr अपॉन r का इंटीग्रेशन log r, ln r आया, और यहाँ पे r1 से लेके r2 तक। तो यहाँ पे ln r2 माइनस ln r1, ln r2 बाई r1 हो जाएगा। तो ये हो गया V इज इक्वल टू लैम्डा को कितना लिख सकते हैं बच्चा, q बाई l, तो ये हो गया q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln r2 डिवाइडेड बाई r1। अपने को कैपेसिटेंस निकालना था, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, q बाई v, तो q बाई v कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो q बाई v की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln r2 डिवाइडेड बाई r1, ठीक। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी इस केस में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की केस में, क्लियर है बात, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट देते हैं आपको, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो आगे चल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर पूरा टॉपिक शुरू होगा, और ये तो अभी आपको प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर मैं करवा रहा हूँ, इसलिए अभी पैरेलल प्लेट का एक खुद से डिराइव करने के लिए आपको दे दे रहा हूँ। अदरवाइज पैरेलल प्लेट के ऊपर एकदम लंबा डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्थ पार्ट आप खुद से करिए। देखो दो प्लेट्स हैं, ये लाइंस नहीं है, दो प्लेट हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो दो प्लेट हैं, बन नहीं पाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट आपको, ये दो इस तरीके से प्लेट्स लगे हुए हैं पैरेलल, तो आप ऐसे इसको 2D में ही ड्रॉ करते हैं। ये एक प्लेट हो गया और एक प्लेट ये है, इसका एरिया A दिया हुआ है, इसका भी एरिया A के बराबर है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है बच्चा वो D के बराबर है, ठीक है। तो A क्या है, प्लेट एरिया, एक साइड का एरिया A के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे D जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट। अब अपने को क्या करना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए अभी जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमने तरीका अपनाया, वही तरीका यहाँ पे यूज करो। सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, ये मानते हुए कि आप ट्राई कर चुके हो मन लगा के, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको सॉल्व करना। देखो एक बैटरी कनेक्ट किया, वही पुराना मेथड जो बताया आपको, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस से कैलकुलेट करने से डरने की जरूरत नहीं है एकदम। जो भी सिस्टम मिले उसको बैटरी से कनेक्ट करो, क्यू चार्ज का आदान प्रदान करते हैं। तो ये प्लेट इसका पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा वो रहेगा कहाँ, किस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे या इनर, मतलब इनर सरफेस पे। तो बच्चों ये आपने सीखा हुआ है कि अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू किनारे किनारे होता है, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना, जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रहेगा प्लस क्यू, यहाँ पे रहेगा माइनस क्यू, ठीक है। तो पूरा का पूरा चार्ज किधर रहेगा, अंदर रहता है, बाहर के साइड जीरो चार्ज। तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, तो ये इधर आ गया प्लस क्यू, और इस वाले प्लेट पे आ गया माइनस क्यू चार्ज, तो इस पे आ गया माइनस क्यू, क्लियर है बात, ठीक है। तो एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, प्लेट एरिया आपको ए के बराबर दी हुई है, वी वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट किया है। अब अपना एम ये है कि क्यू बाई वी का रेशियो कैलकुलेट करना, समझ रहे हो कैसे कैलकुलेट होगा। अभी भी जिसको स्ट्राइक कर जाए वो तुरंत स्क्रीन को पॉज करे, सॉल्व करना शुरू करे, अन्यथा हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट।
तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट किधर की तरफ फील्ड देगा, आगे की तरफ। पॉजिटिव प्लेट इधर की तरफ फील्ड दिया, कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव प्लेट भी कितना फील्ड देगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों पे चार्ज बराबर है, प्लेट एरिया सेम है, तो इसलिए दोनों का सिग्मा भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव प्लेट के कारण, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव प्लेट के कारण, टोटल हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को आप लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q बाई A के बराबर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया अपने को। अच्छा, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। पिछले वाले में अपने को इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, R के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा था। यहाँ पे आप डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो सेपरेशन है यही क्या आ गया? वी के बराबर। अब देखो वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहाँ पे अपने को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहिए पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का, तो वो क्या हो जाएगा? Q बाई वी कैलकुलेट करना अपने को। तो Q बाई वी आ कितना गया इस केस में? Q बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डेराइव फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये चीज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप डेराइव करोगे। क्लियर है बात? ठीक। तो बच्चा ये सब क्वेश्चंस हो गए जो कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने पे आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैपेसिटर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को आप एज ए कैपेसिटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक केस थे जिनके कैपेसिटेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे पैरेलल प्लेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैंने बताया, स्फेरिकल बताया, ये सारे केसे। आइसोलेटेड कंडक्टर में दिया जा सकता है स्फीयर को, तो स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर भी आपको बताया कि उसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, फिगर शोज टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई लार्ज डिस्टेंस। देखो यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन था लेकिन एक तरीके से ये थ्योरी बेस्ड था कि बस कैपेसिटेंस के डेरिवेशन का हमने देखा था कि सर्कल कैपेसिटेंस, ये पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल। अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेन जो कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से शुरू होगा। चलिए लिखिए, फिगर शोज टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई लार्ज डिस्टेंस। कंडक्टर इस तरीके से है, ये कोई कंडक्टर ए है, ये कोई कंडक्टर बी है। ठीक है, कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी, लार्ज सेपरेशन दिया हुआ है, मतलब एक के चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। ठीक, जैसा हमने बताया कि इसका मतलब ये एक कंडक्टर है ना, मतलब ये भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह, ये भी एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह। अब उसके बाद आते हैं, इसकी कैपेसिटी दी हुई है बच्चों 10 माइक्रोफेरड, मतलब कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरड। बताया था कि कैपेसिटेंस जो होगा वो काफी, मतलब फेरेड काफी बड़ा यूनिट होता है। इसका कैपेसिटेंस दे दिया गया 20 माइक्रोफेरड के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर है 20 माइक्रोकूलम चार्ज, इसके ऊपर भी है 20 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर है बात? अब बोला जा रहा है ये स्विच एस है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और पार्ट वाइज मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको नोट करो। पहला पार्ट लिखो, राइट पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर। राइट पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर ए का भी पोटेंशियल लिखना है, कंडक्टर बी का भी लिखना है। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करोगे Q बाई वी इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड लिखो, सेकेंड पार्ट, इफ स्विच इज क्लोज्ड इन विच डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। थर्ड, फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, देखो
अब एक बार स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से काम पे लग जाओ, इसको सॉल्व कर लो, ये मानते हुए कि तुम लोग बड़े ईमानदार हो और बहुत कर्मठ हो, तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो, अभी तक क्या हुआ था, आपको फिक्स शेप दिया जा रहा था, तो कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे आपके आसानी के लिए कैपेसिटेंस पहले से ही दे दिया 10 माइक्रोफराड के बराबर, तो 10 माइक्रोफराड के बराबर कैपेसिटर दे दिया। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 20 माइक्रोकूलम। तो बच्चा कैपेसिटेंस हमने डिफाइन किया था क्यू बाई वी होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी के बराबर। तो चार्ज भी दिया है और कैपेसिटेंस भी दिया है, तो पोटेंशियल तो आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब VA की वैल्यू कितनी आ गई, Q डिवाइडेड बाय C, तो यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड, 10 टू द पावर माइनस 6 ये सब कैंसिल हो जाएगा और कूलम प्लस फेरेड ये आ जाएगा वोल्ट। तो इसका मतलब VA की वैल्यू आ गई बच्चा 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से VB की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो VB की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 20, इसका मतलब 1 वोल्ट के बराबर। यहां तक सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। तो ये बच्चा आ गया, VA जो है ये आ गया 2 वोल्ट पे और ये वाला आ गया 1 वोल्ट पे। ये इनका पोटेंशियल है, ये 2 वोल्ट पे और ये 1 वोल्ट पे, ठीक। अच्छा, सेकेंड पार्ट पूछा गया है, इफ स्विच इज क्लोज इन विच डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। अब देखो, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, ये ए वाला पोर्शन हायर पोटेंशियल पे है और बी वाला जो कंडक्टर है वो लोअर पोटेंशियल पे है ना, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक। ये कंफ्यूज मत होना कि ये 2 वोल्ट ये 1 वोल्ट कैसे, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट इधर का 1 वोल्ट इधर का, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात। अब इसके बाद अपने से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि आप अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करना शुरू करेगा। तो बच्चा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, इसके लिए अगर पूरा मैकेनिज्म समझना है तो आप ऐसे समझो, यहां से जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया जाएगा, इस पूरे वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो इसकी वजह से इस वायर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वायर के थ्रू इधर मूव करना शुरू करेंगे। तो इधर आना इलेक्ट्रॉन शुरू किया तो ये चार्ज कम होगा और ये चार्ज 20 माइक्रोकूलम से बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना इधर की तरफ, ये प्लस 20 माइक्रोकूलम है, ये प्लस 20 माइक्रोकूलम है, तो नेगेटिव आके इसमें मिलेगा तो इस चार्ज का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को कम करेगा। अब पॉजिटिव में से और नेगेटिव निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होते जाएगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात, ठीक। तो अपने को क्या करना है कि यही निकालना है कि पहले तो ये चीज पूछा गया सेकंड पार्ट में कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, तो उसमें लिखे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी। पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट, फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर। अब देखिए, अब यहाँ पे जब इनको कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट करने से पहले इसका था 2 वोल्ट, इसका था 1 वोल्ट पोटेंशियल। अब कनेक्ट करेंगे तो कुछ चार्ज का आदान प्रदान भी होगा, तो चार्ज का आदान प्रदान करते हैं, तो इसका मतलब कनेक्ट करने के बाद ये तो हमने को पता चल गया कि यहाँ से उधर की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज उधर की तरफ गया, तो इस पर चार्ज कितना बचेगा, 20 माइनस क्यू, और इस पर चार्ज कितना बचेगा बच्चा, 20 प्लस क्यू के बराबर। क्लियर है बात। अब उसके बाद इसका पोटेंशियल इक्वेट कराते हैं, तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है हमने कि इन दोनों का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। इसका मतलब VA मस्ट बी इक्वल टू VB, ठीक है। थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, स्टडी स्टेट का मतलब ऐसा कोई स्टेट जिसमें चार्ज अब इधर उधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल अचीव हो चुका है। तो VA की वैल्यू अगर लिखी जाए तो नया चार्ज ये 20 माइक्रोकूलम पुराना चार्ज था,
अब इसके ऊपर चार्ज हो चुका है 20 माइनस क्यू और इसके ऊपर 20 प्लस क्यू, तो 20 माइनस क्यू क्यू बाई सी होता है ना पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा क्यू कितना 20 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी 10 इज इक्वल टू इधर का चार्ज हो गया 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये 20 उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो अगर सॉल्व करें तो यहां से यह आ गया 40 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 20 बाई 3। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू 20 बाई 3 आ गई, तो इसका मतलब ए वाले पे फाइनल चार्ज कितना बचा, तो ए वाले पे बच्चा फाइनल चार्ज बचा है 20 माइनस क्यू के बराबर, इसका मतलब 20 माइनस 20 बाई 3 ये हो जाएगा 40 बाई 3 माइक्रो कूलम, और बी वाले पे कितना, सॉरी बी ए नहीं है ये क्यू ए है, और बी वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो बी वाले पे चार्ज हो जाएगा 20 प्लस क्यू, इसका मतलब 20 प्लस 20 बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा 80 बाई 3 माइक्रो कूलम के बराबर। तो ये फाइनल स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाएगा कि स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज के इधर उधर ट्रांसफर होने के बाद फाइनल चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, लिखो इसी सेम टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उसको आप होमवर्क के तौर पर ले लो और सॉल्व करके रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर पूरा कैलकुलेशन शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से सीरीज पैरेलल ये सब भी चीज़ें देखेंगे, सीरीज का पैरेलल कम्बिनेशन का। अभी बेसिक जो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है, क्यू बाई वी का रेशियो, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैट में चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं का अप्लीकेशन इस केस में देखते हैं। क्वेश्चन लिखे, फाइंड फाइनल चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर को क्लोजिंग स्विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कॉमन पोटेंशियल का मतलब स्विच को जब आप क्लोज कर दोगे तो फाइनल चार्ज बचेगा कितना डिफरेंट कैपेसिटर्स पे, और उसके अलावा उनका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है, स्विच कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ना, पहला पार्ट, एक ये कोई कंडक्टर है, स्विच है, और यहाँ पे ये स्विच एस हो गया, 90 माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज दे दिया गया, इसके ऊपर चार्ज 10 माइक्रो कूलम, कैपेसिटेंस है इधर 4 माइक्रो फराड और इधर है 6 माइक्रो फराड। सेकंड, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसलिए परेशान ना होना और सॉल्व करो इसको आराम से। 40 माइक्रो कूलम इसके ऊपर है, इसके ऊपर 10 माइक्रो कूलम है, ये 20 माइक्रो फराड और ये 5 माइक्रो फराड। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, तीसरा करते हैं। अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके इसको करना, आसान क्वेश्चन है, परेशानी नहीं पड़ेगी। इस वाले पार्ट में, तीसरे वाले पार्ट में मैं 3 कंडक्टर देता हूं तो फिर हो सके थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कर पाओगे, इतना भी कठिन नहीं है। ये 10 माइक्रो फराड है, ये दे देते हैं ये 20 माइक्रो फराड और ये 30 माइक्रो फराड। ठीक है, यहां पे ये एक स्विच है, इस तरीके से ये डिफरेंट स्विचेस दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो तीनों को कनेक्ट करेंगे, इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर 20 माइक्रो कूलम, ये 20 माइक्रो कूलम हो गया और ये 80 माइक्रो कूलम है। कैपेसिटेंस भी इनका दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस कितना कितना है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 होमवर्क आप करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी क्वेश्चन जो आइसोलेटेड के ऊपर होंगे, उसके बाद ऐसे एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन कराएंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, और फिर नेक्स्ट क्लास में भी हो सके तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो ये पूरा बेसिक था,
आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर आपके या तो दो या तीन क्लास में आपका टेस्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैट का पूरे पूरे चैप्टर का, तो उसका मन लगा के उसके टेस्ट की तैयारी करिए। उसके अलावा अभी जितने भी क्लासेस आप पढ़ रहे हो उसमें से कुछ भी डाउट होगा तो बेझिझक, या तो अच्छा ये रहेगा कि आप ग्रुप के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर पूछिए, उसके आंसर में या तो हम सॉल्व करके आपको उसका आंसर देंगे या ऑडियो मैसेज से देंगे, या जरूरत पड़ी उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तो एक छोटा सा वीडियो बना के आपको उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की, बस आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, बुकलेट को सॉल्व करते रहो। पहले बुकलेट में हो सकता है थोड़ी सी गलतियाँ हो, सेकेंड बुकलेट जो आपको मिलेगी वो पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जा रहा है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो समझ जाना कि गलती आपसे हो रही है, उसको फिर से ट्राई करना, इस उम्मीद में ना छोड़ देना कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।